अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो। ये दास्तां है 90 के दशक के एक ऐसे मेलोडी सिंगर की जिसने अपने संगीतमय जीवन की शुरुआत की थी होटल्स में गाना गाकर। दुआ है मेरी रब से तुझे आशिकों में। क्यों ये सिंगर रात में गाना गाता था और दिन में उन्हीं गानों को कैसेट में रिकॉर्ड करके किसके पास बेचने जाता था? इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा। क्यों बॉलीवुड में इस सिंगर को दूसरे मशहूर सिंगर किशोर कुमार की वजह से झेलनी पड़ी थी कई बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स की ना? काश के हम होश में अब आने। गरीबी और संघर्षशील जीवन गुजारने वाले इस सिंगर ने कैसे एक ही दिन में 28 गाने रिकॉर्ड कर डाले और 5 साल तक लगातार फिल्मफेयर अवार्ड और पद्मश्री अवार्ड जीत कर बन गए हिंदी सिनेमा के नंबर 1 पॉपुलर सिंगर। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है। इस सिंगर की प्रोफेशनल लाइफ तो टॉप पर चल रही थी, तो वहीं इनकी पर्सनल लाइफ पूरी तरह से थी अस्त व्यस्त। 2 शादी करने के बावजूद कैसे इस सिंगर ने बॉलीवुड की एक टॉप और मशहूर एक्ट्रेस की जिंदगी के साथ कर दिया था सबसे बड़ा खिलवाड़, जिसकी वजह से उनको देश छोड़कर जाना पड़ा। दिल कहता है चल उनसे मिल। कैसे ये बहुचर्चित सिंगर बचपन में मौत को हराकर आज हमारे बीच जगमगा रहा है, जिसकी गायकी की दीवानी पूरी दुनिया है। बताएंगे इनसे जुड़ी और भी बहुत दिलचस्प बातें, जिसके लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है। हजारों गाने, सैकड़ों अवार्ड्स और भारत का सर्वोच्च सम्मान भी पद्मश्री इनके नाम है, जिसकी गायकी की पूरी दुनिया दीवानी थी। इनके सुरताल के आगे कई और बड़े सिंगर्स पीछे रह गए और ये उनसे आगे निकलकर पहचाने गए केदारनाथ भट्टाचार्य, यानी हमारे और आपके प्रिय कुमार शानू के नाम से। बाजीगर मैं बाजीगर, दिल वालों का मैं दिल। कुमार शानू की जिंदगी के उतार चढ़ाव के बारे में जानें, उससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं इनकी शिक्षा और परिवार पर। पास वो आने लगे चाहत के दीवाने हुए हम। कुमार शानू का जन्म 20 अक्टूबर 1997 को कोलकाता में एक हिंदू बंगाली परिवार में हुआ। इनके पिता पशुपति भट्टाचार्य थे, जो एक गायक और संगीतकार थे, तो वहीं इनकी माँ भी एक गायिका थी। कुमार शानू के पिता भगवान महादेव के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए उन्होंने इनका नाम केदारनाथ रखा था, जो बॉलीवुड में आने के बाद बदल दिया गया। ये 5 भाई बहनों का परिवार है। इनके माता पिता संगीत से जुड़े थे, इसलिए पूरे घर के अंदर का माहौल संगीतमय रहा, लिहाजा इनके सभी भाई बहन भी संगीत से जुड़े रहे। सुन 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 बरसात धुन सुन सुन सुन। कुमार शानू की पढ़ाई में कुछ खास रुचि नहीं थी, इसलिए इन्होंने स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई सिर्फ पास होने के लिहाज से की। कुमार शानू ने संगीत और तबला वादक की शिक्षा अपने पिता से ही ली थी। 5 भाई बहनों के इस परिवार में पैसे की बहुत किल्लत होती, क्योंकि इनके माता पिता शास्त्रीय संगीत के अच्छे गायक थे और उससे होने वाली कमाई से परिवार को नहीं चला पा रहे थे। इसलिए कुमार शानू के बचपन का समय और 80 के दशक का शुरुआती समय गरीबी में ही गुजरा है। इतनी गरीबी को देखकर वो अपने पिता की तरह शास्त्रीय संगीत में नहीं जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने तय किया कि वो हिंदी सिनेमा में प्लेबैक सिंगिंग करेंगे। चाहा तो बहुत ना चाहे तुझे। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं होने वाला था। कुमार शानू के सभी भाई बहन एक ऑर्केस्ट्रा ग्रुप से जुड़े हुए थे और कुमार शानू भी कुछ समय बाद इसी ग्रुप के साथ जुड़ गए, लेकिन इतने सबसे काम नहीं चलने वाला था, लिहाजा कुमार शानू ने कोलकाता के एक विनीत नाम के होटल में बतौर सिंगर नौकरी की शुरुआत की, जहां उनको उस समय लगभग 4,000 रुपए तनख्वाह मिलती थी। लेकिन कुमार शानू इन सब से खुश नहीं थे, क्योंकि उनका सपना कुछ और ही था, जिससे वो अभी तक कोसों दूर थे। आने वाला कल एक सपना है। फिर जब एक दिन ये परेशान हो गए तो इन्होंने अपने घर मुंबई जाने की बात कही, लेकिन इनके पिता नहीं चाहते थे कि वो मुंबई जाएं। पिता की सख्ती की वजह से ये भाई से 1100 रुपए लेकर 1986 में मुंबई चले आए, जहां ये अपने कुछ साथियों के साथ मुंबई के वासी इलाके में रहे। अपने 3 दोस्तों की वजह से रहने का इंतजाम तो हो गया था,
लेकिन अभी वो सपना अधूरा था जिसको ये आंखों में लेकर वहां से यहां आए थे। नौकरी की तलाश में ये पहुंचे चैंबूर के आराधना गेस्ट हाउस में, जहां एक गायक की जरूरत थी। गेस्ट हाउस के मालिक ने इनको उसी शाम गाना गाने को कहा और ये भी कहा कि अगर यहां आने वाले लोग तुम्हारे गाने से खुश हुए तो ही तुम्हारी नौकरी लगेगी, नहीं तो नहीं। बस फिर क्या था, कुमार शानू उस शाम वहां गाना गाने पहुंचे और उन्होंने उस समय किशोर कुमार जी द्वारा राजेश खन्ना की फिल्म का गाना मेरे नैना सावन भादो गाया। इनकी गायकी में किशोर कुमार की आवाज की झलक थी। लोग शानूदा की आवाज में गाना सुनकर इतने खुश हुए कि इनको टिप के तौर पर पहले गाने के लिए 9,000 रुपए मिले और दूसरे गाने के लिए 5,000 रुपए दिए गए, जो उस दौर में बहुत बड़ी बात थी। मेरे नैना सावन भादो। इसके बाद शानूदा अपने गानों को खुद रिकॉर्ड भी करते थे और उसके बाद उनकी एक कैसेट तैयार करके म्यूजिक डायरेक्टर के पास जाकर देते थे, लेकिन उनको किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया। थक हार कर जब कोई जवाब नहीं मिला तो ये अपने गाने की कैसेट आराधना गेस्ट हाउस में आने वाले लोगों को ही बेच देते थे। हम तेरी मोहब्बत में यूं पागल रहते हैं। बॉलीवुड में जाने का इंतजार कब दिन में बदला और दिन सालों में। फिर एक दिन इनकी किस्मत ने करवट ली और इनकी मुलाकात हो गई गजल सम्राट जगजीत सिंह से। जिनका इनकी जिंदगी को बदलने में अहम रोल रहा। दरअसल शानूदा गेस्ट हाउस के पास ही एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में अपना गाना रिकॉर्ड करने पहुंचे, जहां पहले से ही जगजीत सिंह भी अपना गाना रिकॉर्ड करने के लिए पहुंचे हुए थे। जगजीत सिंह ने जब शानूदा को गाना गाते सुना तो वो उनकी गायकी से काफी खुश हुए और उनको मिलने के लिए अपने घर बुलाया, जो शानूदा के लिए किसी सपने जैसा था। पहला चांस बॉम्बे में डेफिनेटली जगजीत सिंह जी, उन्होंने मुझे चांस दिया। जगजीत सिंह से मुलाकात होने के बाद कहानी और आगे तब बढ़ी जब जगजीत सिंह ने कुमार शानू को कल्याण जी आनंद जी से मिलवाया। कुमार शानू की गायकी से वो भी काफी प्रभावित हुए। प्रेमी, आशिक, आवारा, पागल, मजनू। कुमार शानू की गायकी में किशोर कुमार की गायकी की झलक मिलती थी, इसलिए उन्होंने केदारनाथ भट्टाचार्य को कुमार शानू का नाम दे डाला। चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे। घर में इनको लोग प्यार से शानू बुलाते थे। इस तरह से इनका नाम हो गया कुमार शानू। मेरा दिल भी कितना पागल है ये प्यार। कल्याण जी आनंद जी ने कुमार शानू को अपनी फिल्म जादूगर में एक गाना गाने का मौका भी दिया और इस गाने को काफी पसंद भी किया गया। मैं जादूगर है मेरा नाम गोगा। जगजीत सिंह ही वो इंसान हैं जो कुमार शानू की जिंदगी में उम्मीद की किरण बनकर आए थे और उनके शुरुआती दिनों में काफी मदद भी की थी। जादूगर फिल्म में गाया गाना उनका पहला डेब्यू सॉन्ग नहीं था। शानूदा इससे पहले फिल्म आंधियों के लिए गाना रिकॉर्ड कर चुके थे, जिसको पहले किशोर के बेटे अमित कुमार गाने वाले थे, लेकिन अमित कुमार टाइम से स्टूडियो नहीं आए और यहां जगजीत सिंह ने बप्पी लहड़ी को कुमार शानू के बारे में बताया और ये तय हुआ कि अब ये गाना शानूदा की आवाज में रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर सही नहीं लगा तो फिर इसको अमित कुमार से पूरा करा लिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शानूदा की आवाज में ही इस गाने को फिल्म में रखा गया और इस तरह से ये इनकी जिंदगी का पहला डेब्यू सॉन्ग बना। फिर दिल ने वो चोट खाई। लेकिन ये फिल्म 1990 में रिलीज हुई थी, जबकि हीरो हीरा लाल और जादूगर फिल्म पहले ही रिलीज हो गई थी। मैं जादूगर, जादूगर, मैं जादूगर, मेरा नाम। कुमार शानू को अब बॉलीवुड में बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका मिल रहा था। वो उनके लिए कई फिल्मों में गाना भी गा रहे थे, लेकिन जो ऊंचाई और सफलता इनको चाहिए थी वो इनको अभी तक नहीं मिली। लेकिन इनकी जिंदगी में वो समय भी आया साल 1990 में, जब एक फिल्म आशिकी आई, जिसमें कुमार शानू ने अपनी आवाज में लगभग सभी गाने गाए थे। तू मेरी जिंदगी है। इस फिल्म के सभी गानों को पहले एक एल्बम बनाकर लॉन्च कर दिया गया। गाने इतने सुपर डुपर हिट हो गए थे, जिसके बाद इस फिल्म को बनाने का फैसला किया गया। दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे। इस फिल्म और एल्बम के गानों की सफलता ने कुमार शानू को उस दौर के सभी गायकों की लिस्ट में नंबर वन पर पहुंचा दिया और इसी फिल्म के लिए कुमार शानू को इनका पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। अब तेरे बिन जी लेंगे हम।
इसके बाद तो ये अवार्ड जीतने का सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। 1992 में फिल्म साजन, 1993 में दीवाना, 1994 में बाजीगर, 1995 में 1942 ए लव स्टोरी फिल्म ने उनको सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड दिलाया। मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी। ये लगातार 5 सालों तक ये अवार्ड जीतते ही चले गए। इसके बाद तो कुमार शानू की जिंदगी एकदम से बदल गई। इनके पास म्यूजिक डायरेक्टर्स की लाइन लगी थी, काम इतना ज्यादा मिल रहा था कि इन्होंने एक ही दिन में 28 गाने रिकॉर्ड कर डाले, जो आज तक किसी भी सिंगर ने नहीं किए हैं। राह में उनसे मुलाकात हो गई। 1995 तक ये टॉप पर रहे, लेकिन साल 1996 में आई फिल्म DDLJ के लिए ये अवार्ड उदित नारायण के नाम रहा। वो गाना था मेहंदी लगा के रखना। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। हालांकि इस फिल्म में कुमार शानू ने तुझे देखा तो ये जाना सनम गाना गाया था, लेकिन उदित नारायण इस बार उनसे थोड़ा आगे निकल गए। तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता। कुमार शानू पूरी दुनिया में जाने जाने लगे। उनकी कामयाबी किसी से भी नहीं छुपी। इन्होंने 3 दशक तक बॉलीवुड पर राज किया है। सैकड़ों फिल्मों के लिए अलग अलग भाषाओं में सुपर डुपर हिट गाने गाए। उनके इस शानदार सफर के लिए इनको भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा गया। जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ। शानूदा म्यूजिक की दुनिया में अपना काम बखूबी कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी जगह नए सिंगर उदित नारायण, अभिजीत, हरिहरन, सोनू निगम जैसे शानदार गायकों ने ले ली। तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा, तुमसे मिल। इसके बाद कुमार शानू संगीत की दुनिया से दूर होते चले गए और साल 2004 में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। इसके बाद तो ये इक्का दुक्का फिल्मों में ही अपनी आवाज देते हुए नजर आते थे। तुम सा कोई प्यारा, कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद। ये देश विदेश में लाइव म्यूजिकल शोज में अपने सॉन्ग से लोगों के बीच बने हुए हैं। वो जाना न जाना ये दिल तेरा दीवाना। ये तो रहा कुमार शानू का फिल्मी सफर। आइए अब बात करते हैं इनके निजी जीवन के बारे में। इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो। कुमार शानू की प्रोफेशनल जिंदगी तो बेहद शानदार रही, लेकिन निजी जिंदगी हमेशा अस्त व्यस्त रही। कुमार शानू ने 2 शादियां की हैं। इनका नाम फिल्म अभिनेत्रियों से भी जुड़ता रहा। इनकी पहली शादी रीता भट्टाचार्य से हुई थी, लेकिन 1994 में इनका तलाक हो गया, जिसकी वजह थी फिल्म अभिनेत्री मीनाक्षी शेषाद्री। शानूदा और मीनाक्षी शेषाद्री फिल्म जुर्म के दौरान मिले थे। इस फिल्म पर हुई मुलाकात इतनी दुखदाई होगी ये किसी ने नहीं सोचा था। शानूदा मीनाक्षी की खूबसूरती पर मर मिटे थे और उधर मीनाक्षी भी शानू के प्यार में कैद थी, लेकिन मीनाक्षी से कुमार शानू ने अपनी शादीशुदा जीवन को छुपा कर रखा। इस बात का पता जब मीनाक्षी को चला तो वो टूट गईं और इस सदमे से उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को ही छोड़ दिया। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, झूठ बोला आपने मुझसे। और उधर रीटा भट्टाचार्य को मीनाक्षी शेषाद्री के साथ चल रहे अफेयर का पता चल गया। दुख की ये बात है कि उसने बहुत रानियों को देखा था, दासी को चुन लिया था रीटा साइड पर, और उन्होंने शानू दा को तलाक दे दिया। और इस तरह कुमार शानू ना इधर के रहे ना उधर के। 93 में मेरे को कोर्ट में लेके गया फॉर डिवोर्स। हमने क्या बिगाड़ा था उसका। Now I'm going to file divorce. इसके बाद कुछ समय गुजरा और इनकी जिंदगी में एक बार फिर एक बंगाली परिवार की लड़की सलोनी ने दस्तक दी। कुछ मुलाकात के बाद ये दोनों शादी के बंधन में बंध गए। तुम्हें अपना बनाने की कसम। सलोनी परिवार के साथ लंदन में रहती हैं। कुमार शानू भले ही आज अपनी जिंदगी में खुश हों, लेकिन उनको हमेशा याद रखना चाहिए कि उनकी वजह से 2 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो गई थी। फाइनल सॉल्यूशन आई थिंक ये तो आप लोगों को उनको समझाना चाहिए। शानू ने 2 लड़कियों को प्यार में धोखा दिया था, जिनके दुख दर्द के जिम्मेदार शानू ही रहेंगे। मेरी हसरतों का जनाजा उठा के। कुमार शानू अब कई टीवी शोज में बतौर जज बनते हुए नजर आते हैं। कुमार शानू की आवाज की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, पर यकीनन भारतीय सिनेमा में बतौर प्लेबैक सिंगर इन्होंने वो मुकाम हासिल कर लिया है जो किसी और के लिए हासिल करना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, ये था केदारनाथ भट्टाचार्य यानी कुमार शानू के ऊपर बनाया गया हमारा शो। आपको कैसा लगा हमें जरूर